मंत्री दिग्विजय सिंह बीते दिनों से इंदौर के विभिन्न आयोजनों में शामिल हो रहे हैं। इसी कड़ी में इंदौर के थैलेसीमिया वेलफेयर सोसाइटी हॉस्पिटल द्वारा थैलेसीमिया पीड़ित बच्चों का जीवन बचाने में मदद करने वाले समाज सेवी के सम्मान समारोह में पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह अपनी पत्नी के साथ पहुँचे। इंदौर के नन्ना नगर स्थित रिंकू शर्मा थैलेसीमिया सेंटर में समाज सेवियों का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इस दौरान प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह पहुंचे। वहीं कांग्रेस के शहर के कार्यकारी अध्यक्ष विनय बाकलीवाल सहित दिग्गी के कई समर्थक उनके साथ दिखे। पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने इस दौरान मीडिया को बताया कि नागरिक संशोधन कानून एक तरह से काला कानून है। उन्होंने कहा कि एनआरसी लागू नहीं हुआ है, लेकिन यदि यह लागू होता है तो सालों से या लंबे समय से देश में रहने वाले कई लोग अपनी आइडेंटिफिकेशन कहां से लाएंगे, कहां से अपने पूरे पुराने कागज सरकार को दिखाएंगे। इस दौरान दिग्गी ने इशारों में केंद्र सरकार पर भी निशाना साधा। नहीं, बिल्कुल मिले, हमें कोई एतराज नहीं है। पहली बात तो ये है कि केंद्र सरकार के पास अधिकार था, उस अधिकार का उपयोग क्यों नहीं किया गया? नागरिकता देने से रोका किसने था? देना चाहिए था, इस कानून की ज़रूरत ही नहीं थी। और दूसरी बात, नड्डा जी को ये साफ करना चाहिए कि वो इसके बाद एनआरसी लागू किया जाएगा नहीं किया जाएगा, क्योंकि एनआरसी का मतलब ये है कि आप बाप दादा के बर्थ सर्टिफिकेट, स्कूल सर्टिफिकेट और सारे प्रमाण इकट्ठे करिए। आप समझ सकते हैं कि इस देश में ये सारी सुविधाएं और ये सारे प्रमाण पत्र कहाँ मिल पाएंगे किसी को? सर, कितनी मुसीबत का सामना किसान लोगों को करना पड़ेगा, और इसमें सभी लोगों को ये प्रमाण पत्र इकट्ठे करने पड़ेंगे। इसलिए उनको ये स्पष्ट करना चाहिए कि एनआरसी लागू होगा कि नहीं होगा।